Alright, in this particular chapter, we are going to deal with current electricity. Current electricity, the name of the chapter is Current Electricity. It constitutes to somewhere about 13 marks. It constitutes to somewhere about 13 marks. <coughs> Let me focus it back properly. फॉर yes. श्योर <coughs> uh, sure, आपको इसमें से एक फाइव मार्क डिरावेशन मिलेगा ठीक है एक फाइव मार्क डरावेशन आएगा ही आएगा एक पाँच मार्क का प्रॉब्लम ज़रूर होगा ठीक है सो so, एंड बाकी वहीं पर आपको समझ में आ रहा है एक वन मार्कर एक टू मार्कर या फिर एक थ्री मार्क क्वेश्चन टोटली थर्टीन मार्क्स तो इस चैप्टर से आते ही है आई कैन से द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वेटेज From any chapter of your physics, I think it is this particular chapter. Uh, so I hope you are understanding why I am telling all this. I am not bothered basically of how many marks a chapter carries because what I usually focus is on students ko kitna knowledge us chapter ka samajmeara hai. hai. But this is your basically cup of tea. Yeah. That is basically many of you want to score. So I hope you should understand from this that I have written. दैट दिस चैप्टर इज द की फॉर योर स्कोरिंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लियर नाउ द चैप्टर्स इज करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी द प्रीवियस टू यूनिट्स दट यू स्टडीड द प्रीवियस टू चैप्टर्स दट यू हर स्टडीड वॉज इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है एंड दूसरा वाला था पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज तो वो जो दोनों थे वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिक चार्जेस की ठीक है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट चार्जेस वेन दे आर दे आर एट रेस्ट यानी पहले दो चैप्टर जो थे इट वॉज स्पीकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट ठीक है ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर हम बात करेंगे वेन द चार्जेस आर मूविंग वैन द चार्जेस आर मूविंग ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करेंट वॉट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करेंट डिनोटेड बाई द सिम्बल आई वॉड्यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करेंट द सिंबल डिनोटेड इज आई ठीक है सबसे सिंपल चीज़ करंट को जो है उसको कंपेयर किया गया सबसे पहले आ, पहले तो ये लिख देता हूं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट तो ये आया कहाँ से बेसिकली दिस वॉज आई कैन से दैट करंट कैन बी कंपेयर टू फ्लो ऑफ वाटर इन टर्म इन केस ऑफ वाटर फ्लो ठीक है जैसे पानी बहता है वैसे ही चार्जेस बहते हैं ठीक है वैन चार्जेस आर फ्लोइंग इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट वैन वाटर इज फ्लोइंग इट इज कॉल्ड वाटर वाटर करंट्स ठीक है ये आपने सुना होगा आपके जोग्रफी में वाटर करेंट्स नाम की चीज़ या फिर आपने ज्योग्रफी में ये भी सुना होगा विंड करेंट्स ठीक है द विंड करेंट्स आर रियली हाई इन दिस नॉर्थ पर्टिकुलर रीजन दैट्स वाई गोइंग आउट इन दिस पर्टिकुलर सीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज डेंजरस ये आपने सुना होगा यानी अलग अलग कंट्रीज में वेदर कंडीशन अलग होते हैं द फ्लो ऑफ एयर इज़ सो हाई इन सम रीजनज वेयर दैट पीपल कैन नॉट गो आउट और दे विल बी वॉश्ड अवे अलॉन्ग विद द एयर दैट इज़ एयर करंट या फिर वाटर करंट्स दैट इज बेसिकली दॉट यू कॉल द हाइर अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो दैट काज डिजास्टर्स ठीक है तो कॉन्सेप्ट वही से लिया गया है करेंट का भी कि जब पानी फ्लो होता है बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग ठीक है दैट इज़ वॉट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द फ्लो ऑफ वाटर ठीक है नाउ चार्जेस इफ दे आर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस दे आर फ्लोइंग वी हैव नॉट एट स्पेसिफाइड दैट करंट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग वी आर टेलिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इफ दे आर फ्लोइंग ज इलेक्ट्रिक करंट ठीक है <coughs> तो करंट कैरियर्स कौन से कौन से हैं करंट कैरियर्स ठीक है जैसे मसलन वेन यू हैव वाटर फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट से वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हियर इफ इट हैज टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी ठीक है इट कैन ओनली फ्लो

पाथ आई मेक सो दैट वाटर फ्लोज ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ या सो नो सो सिमिलरली करेंट के लिए भी चार्जेस फ्लो होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है ठीक है इट इज़ कॉल्ड करंट कैरियर वॉट इज दैट पर्टिकुलर मीडिया दैट इज गोइंग टू कैरी द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दिस इज़ लाइक अगेन फॉर एग्जाम्पल द कैरियर फॉर यू पीपल टू कम फ्रॉम योर हाउजेज टू द कॉलेज इज द बस ठीक है यानी आप बस में बैठकर यहां पर आ रहे हो तो बस इज अ कैरियर इट इज डूइंग द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है उसी तरीके से चार्जेस को मूव करने के क्या क्या तरीके हैं ठीक है, है? <coughs> तो करंट कैरियर्स व्हाट आर करंट कैरियर्स आई जस्ट रीड इट आउट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट द चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट द चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड लिक्विड और गैसेस आर नोन एज करंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स ठीक है जो चार्ज को लेकर आगे बढ़ते हैं उन्हीं को हम कहते हैं करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स आई रिपीट द डेफिनेशन यू कैन नोट इट डाउन द चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट द चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट इन सॉलिड्स कॉमा लिक्विड्स और गैसेस आर नोन एज करेंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स ठीक है तो सबसे पहले इसमें जो है सॉलिड्स के ऊपर बात करेंगे सॉलिड्स में क्या क्या हो रहा है ठीक है सॉलिड्स में फिर आपको <coughs> ये है कि सॉलिड में तीन किस्म के हैं ठीक है सॉलिड में आपके पास कंडक्टर है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर तो हर एक चीज में अलग अलग चार्ज कैरियर्स हैं इन कंडक्टर आपको ये ऑलरेडी मालूम होना चाहिए इन कंडक्टर्स कंडक्टर्स यानी मेटल्स जैसे कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम एटसेट्रा ठीक है हु आर द चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर्स दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दे आर नथिंग बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आई होप यू नो दिस ठीक है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में सीख लिया है कंडक्टर्स कंडक्टर्स के ऊपर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे हमने बात की थी वहाँ पर हमने साफ बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी जाकर कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स ही पूरा काम करते हैं कंडक्टर्स में ठीक है नेक्स्ट इन इंसुलेटर्स इन इंसुलेटर्स हु आर द करेंट कैरियर्स नो करंट कैरियर्स इन इंसुलेटर देर आर नो करंट कैरियर्स क्यों क्योंकि इंसुलेटर में तमाम के तमाम जो भी हैं दे आर ऑलरेडी इं टू सम बॉन्डिंग वी डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर वो इंसुलेटर नहीं होता वो कंडक्टर हो जाता तो इंसुलेटर में होता ये है तमाम एटम्स जो हैं जिनके भी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं तमाम के तमाम कोई ना कोई एक अटामिक बॉन्डिंग में ऑलरेडी फिक्सड हैं जैसे कि ये एक एटम है इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है समझो दो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ठीक है वो अपनी अटोम एटम के फ़ोर्स के वजह से या तो वहीं पर हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के बॉन्डिंग में हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं हैं आपके इंसुलेटर में अच्छा एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन देयर बी प्योर कंडक्टर एंड प्योर इंसुलेटर्स द आंसर इज कंडक्टर्स इवन दो देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यू विल नॉट हैव प्योर कंडक्टर्स बिकॉज सम अमाउंट ऑफ बॉन्डिंग विल ऑल्सो बी देयर इन कंडक्टर्स ठीक है यानी कंप्लीटली तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते कंडक्टर में ठीक है हाँ इससे बेटर एक चीज़ है उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स आर दोज विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टेंस दैट ऑल्सो इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू मेक इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स में भी इवन दो इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ना थोड़ा वेरी नेग्लेजिबल uh, नेग्लेजिबल यानी uh, ना के बराबर ठीक है वैसे थोड़े ना थोड़े इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं परफेक्ट इंसुलेटर बनाना भी मुश्किल है ठीक है सो so, परफेक्ट चीज़ें कोई भी नहीं है बट हम आइडियल केसेस पे स्टडी करते जाते हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो आपने ये आपने ये फिजिक्स का ये हिस्सा समझ में आया होगा आपको जब आपने फर्स्ट पी के लैब्स किए होंगे इन फर्स्ट पी लैब्स ऑल्सो वेन यू डिड एक्सपेरिमेंट्स इवन दो यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट यू विल नॉट गेट द परफेक्ट आंसर इन प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द थियरी थियरी का आंसर अगर समझो टेन न्यूटन है तो प्रैक्टिकल आंसर समवेर अबाउट नाइन पॉइंट एट न्यूटन नाइन पॉइंट नाइन न्यूटन आएगा या फिर टेन पॉइंट वन टेन पॉइंट टू न्यूटन आएगा वो क्यों हो रहा है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ़ द ह्यूमन एरर नंबर वन ह्यूमन एरर और चंद ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसको हमने कंसिडर नहीं किया होगा जैसे कि फ्रिक्शन ठीक है जैसे कि और अदर स्मॉल स्मॉल फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व तो उसी तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर भी परफेक्टली बोला बोला जाए तो कंडक्टर के पास तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इंसुलेटर के पास भी कम्प्लीटली नो इलेक्ट्रॉन्स नाम की चीज़ भी नहीं है थोड़ा ना थोड़ा फ्री होते हैं लेकिन वो क्योंकि मूव नहीं कर पाते या फिर माइन्यूट करंट देते हैं इसलिए हम उसे इंसुलेटर कंसिडर कर लेते हैं ठीक है इन सेमी इन सेमी कौन कौन है ठीक है इन सेमी कंडक्टर्स यू हैव फ्री एलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमी कंडक्टर्स यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ठीक है। तो सेमी कंडक्टर का टॉपिक फिर आपको आगे चलकर एक चैप्टर में फिर से क्लियर कट आएगा लेकिन आपके लिए फॉर एग्जाम्पल समझो कि दो प्लेट्स हैं ठीक है? या फिर दो बॉडीज़ हैं यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन हैं ठीक है अब मैंने समझो इसको हीट किया ठीक है यानी हीट का मतलब से बेसिकली एनर्जी पहुंचाई जब एनर्जी पहुंचाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर थे दे गेन सम एनर्जी एंड से वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द नेक्स्ट प्लेट फॉर एग्जाम्पल ठीक है दैट इलेक्ट्रॉन वंस इट जम्प्स टू द नेक्स्ट प्लेट नाउ इट्स न्यू पोजिशन इज हियर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक वेकेंसी हो जाएगी ठीक है वेकेंसी या दैट वैकेंसी इज कॉल्ड अ होल द एब्जेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ होल ठीक है तो होल दरअसल एक अपने आप में नया चार्ज नहीं है इट इज़ नथिंग बट द एब्जेंस ऑफ अनदर चार्ज समझो कि अभी ये चारों को थोड़ा जूम करके लिख रहा हूँ ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर होल है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर की प्लेट को पहुँच चुका है ठीक है तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जंप करेगा तो फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था अब वो यहाँ पर होल बन जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनेगा फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर होल बनेगा फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो फिर ये होल बन जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बेसिकली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है होल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल का ये मामला है ठीक है तो ये होल और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वो आपको एक्चुअली स्कूलिंग में बता दिया होगा एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर वगैरह बट अगेन इन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट अगेन विल गो दैट इन डिटेल अब के लिए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इंसुलेटर नो चार्ज कैरियर्स सेमी कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ठीक है तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर में होल्स मौजूद होते हैं कंडक्टर में होल्स नहीं होते ठीक है सो दिस इज़ द बेसिक थिंग अब नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड्स ठीक है ये पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ इस चैप्टर का ना लिक्विड्स में क्या होता है ठीक है लिक्विड्स में हम बोलते हैं लिक्विड्स में आपने ऑलरेडी सुना सुना होगा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जरिए से कि आयोन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड्स आयोन्स आर द चार्ज कैरियर्स आयोन्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स कैट आयोन्स एंड एन आयोन्स पॉजिटिव आयोन्स एंड नेगेटिव आयोन्स तो बैटरी के अंदर जो बेसिकली होता है आयोन्स के वजह से होता है ठीक है तो आपके केमिस्ट्री में भी आगे चल कर के आएगा एक कॉन्सेप्ट आएगा बाय नेम साल्ट ब्रिज ठीक है बाय नेम सॉल्ट ब्रिज तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे का पूरा जो कनेक्शन है वो कैसे हो रहा है बस आप इतना याद रख लें कि जब इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में बैटरी के अंदर बैटरी के अंदर आयोन्स मूव करते हैं बैटरी के बाहर यानी वायर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ठीक है सो इन सॉलिड्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन लिक्विड्स दे आर आयस ठीक है आई होप इट इज़ अंडरस्टूड आय्स में फिर आपको कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड ठीक है एच टू एस ओ फोर सी एल ये तमाम जो केमिकल्स हैं लिक्विड्स हैं उनको जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो फिर पॉजिटिव आयोन्स नेगेटिव आयोन्स अलग होते हैं तो लिक्विड्स में आयोन्स से कंडक्ट होता है यानी करंट पास होता है ठीक है आई होप दैट इज क्लियर नेक्स्ट आखिरी बचा है गैसेस इन गैसेस व्हाट इज हैपनिंग ठीक है गैसेस बेसिकली जो है एयर फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर की तरह काम करता है ठीक है एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर बेसिकली बट वॉट हैपन्स इज़ वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक प्लेट होती है इलेक्ट्रोड ठीक है नेगेटिव नेगेटिव प्लेट होती है पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव एक गन को पॉजिटिव कनेक्ट किया जाता है बैटरी का नज़दीक जब लाते हैं ठीक है जब ये नज़दीक लेके आते हैं तो फिर ये जो गैप है इस गन के पॉइंट में मेरा पॉइंटेड फिंगर है ना वो गन का पॉइंट है और ये प्लेट में जो गैप होती है वहाँ की जो हवा होती है दैट गेट्स आयोनाइज And there will be a spark between the gun and the plate. This is basically the arc welding that I am trying to explain. Welding it is the air, even though being an insulator, it gets ionized. Why ionized? Because of high potential difference between the two ends. What happens is the molecules in between, the ions in between, try to undergo a rearrangement. Once they undergo a rearrangement, they get it is called ionizing. वंस दे गेट आयोनाइज इट बिकम्स अ पाथ फॉर द करेंट टू फ्लो तो गैसेज में आयोनाइजेशन होता है ठीक है सो आयोन्स आर द वंस ठीक है यहाँ पर गैसेज के लिए भी मैं पढ़ देता हूँ गैसेज बिहेव एज इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे गेट आयोनाइज एंड बिकम कंडक्टर्स एट लो प्रेशर वेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अपलाइड अक्रॉस दैम आई रिपीट इट्स अ बिग लाइन यू जस्ट नोटेड डाउन इफ यू वॉन्ट गैसेज बिहेव एज इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but they get ionized and become conductors at low pressure become conductors at low pressure when high potential difference is applied ionized gas contains positive ions and electrons ionized gas ionized gas contains positive ions and electrons positive ions and इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अपने फाइनल एग्जाम्स में इस तरीके से मत लिखना टेस्ट में भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट सेंटेंस लिखना ठीक है आयोन्स को भी कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना आयोनाइज गैस कंटेन्स पॉजिटिव आयोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर द करेंट कैरियर्स इन गैसेस आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर ठीक है तो इस पर्टिकुलर क्लास में आई कैन कॉल दिस क्लास एज इंट्रोडक्शन वन अनदर इंट्रोडक्शन आई डू ओनली देन वील मूव फॉरवर्ड आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ लिटल बिट मोर अबाउट करंट ठीक है जो आपने लास्ट टाइम सीखा था आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी उसके ऊपर थोड़ा बात करना है ठीक है दैट इन द नेक्स्ट सेशन आई टेक इट अप डन एंड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट करेंट बिफोर वी गो इन टू डिटेल इस चैप्टर में जो है शुरू का हिस्सा थोड़ा थियोरिटिकल है ठीक है लेकिन एक मरतबा uh, देखा जाए तो फिर इस चैप्टर में समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है वेरी हाई अमाउंट ऑफ नॉलेज इज एक्चुअली बिल्ट इन टू दिस चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर बिकॉज जैसे आपने कैपैसिटर्स इन सीरीज़ कैपैसिटर्स इन पार्लल सीखा वैसे ही यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दो और डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक के एक है रजिस्टर दूसरा है सेल यानी बैटरी तो जैसे कैपैसीटर्स इन सीरीज़ कैपैसिटर्स इन पारल सीखा वैसे ही रजिस्टर्स इन सीरीज़ रजिस्टर्स इन पार्लल आएगा सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरला आएगा इन तीनों में से हमेशा एक पाँच मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में होता है तो ऑल द थ्री आर ऑलमोस्ट सिमिलर सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर वील कवर दिस अप इन द नेक्स्ट सेशन वील मूव फॉरवर्ड आई होप वॉट आई हैव टोल्ड यू हियर इज क्लियर ठीक है तो ये बेसिक बनता है आपके इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में आप बस इतना याद रख लो कि करेंट फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशन हैं ठीक है जैसे कि मसलन ए, तीन चार चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी कंडीशन फॉर करंट फ्लो क्या क्या होते हैं एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है ठीक है यानी आप पानी को फ्लो होने के लिए समझो ए ए इधर है और बी भी इधर है ज़ाहिर सी बात है पानी फ़्लो नहीं होगा ठीक है अंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत कम डिस्टेंस में एक फ्लैट लैंड होगी ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर पानी पूरे का पूरा फ्लो तो नहीं होगा तभी फ्लो होगा जब बी जो है थोड़ा डिस्टेंस पर हो थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है उसी तरीके से करंट फ्लो होने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में अगर करंट एक पॉइंट ए और बी इन दोनों के बीच में फ्लो होना है ठीक है तो फिर ए एंड बी शुड बी एट डिफरेंट पोटेंशियल्स से वी वन एंड वी टू ठीक है तो पोटेंशियल अलग होना है पॉइंट्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर फॉर करंट टू फ्लो एंड इन कंडक्टर्स जब कंडक्टर्स की बात होती है तो फिर एक क्लोज पाथ होना ज़रूरी है मतलब पॉइंट ए ले लिया पॉइंट बी ले लिया मैंने ठीक है अब इसमें फ्लो होना है तो फिर एक कंडक्टिंग पाथ होना ज़रूरी है यानी वायर या कंडक्टर या कुछ भी तभी जाकर करंट फ्लो होगा कुछ भी नहीं रखोगे हवा होगी बीच में तो नहीं फ्लो होगा हवा होगी तो अब आप बोलोगे सर गैसेस में तो आयोनाइज होता है वो जब बहुत कम डिस्टेंस हैं ठीक है उस लाइन में मैंने कहा था लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो पॉइंट्स मस भी वेरी क्लोज टू इच अदर ठीक है पॉइंट्स हैव टू बी वेरी क्लोज टू इच अदर और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा जैसे ये जीरो वोल्ट पे ये थाउजन वोल्ट्स पे तब क्या होगा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बीच में के जो आयन्स हैं वो आयनाइज होकर कंडक्टिंग पाथ बना देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है क्लोज्ड पाथ होना ज़रूरी है ठीक है एनी हाउ मच मोर डिटेल्स विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन I hope this much is clear. We'll stop at this. Thank you.